हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात किया था और वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक नहीं देखा है वो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के प्रीवियस क्लासेस जाके देख लें। आइए आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टॉपिक का नाम क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हम बोल रहे हैं ये जानिए। उससे पहले तो ये जानना पड़ेगा कैपिटल क्या है, कैपिटल का मतलब क्या। कैपिटल मीन्स अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय ओनर। कैपिटल क्या होता है बाबू? कैपिटल मीन्स अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय ओनर इन बिजनेस। सिंपल, कैपिटल क्या है सर? जो बिजनेस का ओनर होता है। पार्टनरशिप में ओनर कौन होता है? पार्टनर। तो पार्टनर जो पैसा बिजनेस में लाके इंट्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो जब पार्टनर बिजनेस को कैपिटल देता है तो इन रिटर्न वो क्या मांगता है? वो बोलता है कि अगर हम ये पैसा बैंक को देते, पार्टनर बोल रहा है बिजनेस से कि अगर ये पैसा हम किसको देते? बैंक को। तो बैंक पार्टनर्स को क्या देता? इंटरेस्ट। तो बिजनेस के भी वो क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट। हम बोल रहे हैं सर ये है बिजनेस, बिजनेस क्या दिया? कैपिटल। बदले में बिजनेस से वो क्या लेगा? इंटरेस्ट। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सर बिजनेस पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट से एक्सपेंस है? हम बोले हाँ। हम लोग हमेशा अकाउंटिंग किसके पॉइंट से करते हैं? सर बिजनेस के पॉइंट से। हम बोले बिल्कुल। तो सर एक बात तो ये समझ में आया, दूसरा बात ये समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस। हम बोले बिल्कुल। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। बाद में इसको हम कुछ और भी बोलेंगे, लिखते चलेंगे हम लोग साथ साथ। अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को शॉर्ट में लिखेंगे आईओडी, फॉर्मूला अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ बाय 12। सर ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हम बोले हाँ बाबू, सॉरी आईओसी। सर ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा। हम बोले हाँ बाबू, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेम टू सेम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला भी यही था, इसका फॉर्मूला भी वही है। तो सर सेम टू सेम वैसे ही निकालेंगे। हम बोलेंगे हाँ समझते हैं बात। बुक्स कब बंद होते हैं? सर मार्च में। स्टार्ट कब होते हैं? कुछ नहीं बोलता है सर, तो अप्रैल फर्स्ट में। ठीक। हम बोल रहे हैं सर एक पार्टनर है ए, वो 1 अप्रैल को दिया 1 लाख और 1 अक्टूबर को दिया 50,000। एक पार्टनर है बी, वो अप्रैल में दिया 50,000, अक्टूबर में दिया 1 लाख। 31 मार्च को दोनों को क्या मिलना है? इंटरेस्ट। किस रेट पे? सर 6% पर एनम। क्या हम लोग इंटरेस्ट बता पाएंगे कितना मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल।
सुनिएगा, मंथ कैसे निकालते हैं, सेम तरीका ड्राइंग वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, जिस दिन पैसा निकाले वो लिखे, रेट क्वेश्चन बताएगा, और मंथ का मतलब जिस दिन कैपिटल दिए वहां से 31 मार्च आने में जो मंथ लगेगा वही मंथ यहां लिखेंगे। तो यहां पे अगर हम दो बार क्वेश्चन में कैपिटल दिए हैं तो दो बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार इस अमाउंट पे, एक बार इस अमाउंट पे। समझ में आता है मेरा बात? बिल्कुल। आइए सॉल्यूशन देखिएगा बाबू। फॉर ए अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। समझ में आ रहा है? ए 1 अप्रैल को लगाया 1 लाख, उस पे रेट चल रहा है 6%। मंथ कैसे निकालेंगे? हम बोले सर जिस दिन कैपिटल लगाया वहां से 31 मार्च आने में कितना मंथ लगेगा? हम बोले 12। उसके बाद फिर लगाया तो फिर इंटरेस्ट देंगे, फॉर्मूला यही, अमाउंट ऑफ कैपिटल सर 50,000, रेट 6%। कब लगाया? अक्टूबर में लगाया 50, तो वहां से 31 मार्च आने में 6 महीना। आइए सॉल्व करें सर, ये 6,000 प्लस इसको भी सॉल्व करें सर 1,500। क्या हम लोग इंटरेस्ट निकाल दिए ए का? बिल्कुल। सिमिलरली बी का भी निकालते हैं। दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहे, फॉर्मूला लिखा हुआ है बाबू। पहला बार 50,000 लगाया, रेट कितना 6%। कब लगाया ये 50,000? अप्रैल 1 को। बुक्स कब बंद होगा? मार्च में, तो कितना मंथ का। फिर लगाया 1 लाख, रेट कितना 6%। कब लगाया ये? तो हम बोल रहे हैं सर अक्टूबर में, तो कितना मंथ का? 6 मंथ का। ये 3,000, ये भी कितना 3,000, कितना रुपया हुआ? बात समझ में आती है मेरी कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं? बिल्कुल। आइए कुछ छोटा छोटा बात भी लिखते चलेंगे हम लोग। अभी तक हम लोग कितना बात लिखे हैं? 3। चौथा बात चलिए बाबू साथ साथ लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड ऑन एडिशनल कैपिटल। इफ डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज गिवन, सर सर समझा दीजिए। हम बोल रहे बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक, थोड़ा सा और लिख लीजिए, ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड ऑन एडिशनल कैपिटल इफ डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज गिवन। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा देते हैं, एडिशनल कैपिटल पे कब देते हैं? जब आपको एडिशनल कैपिटल का डेट बताया हो। सेकेंड लैंग्वेज समझिएगा, हम बोलना चाहते हैं कि सर ओपनिंग कैपिटल का डेट बताए ना बताए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे साल का, लेकिन सर एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट तभी देंगे जब उसका डेट बताएगा। मतलब अगर एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर दिया और डेट नहीं बताया है तो एडिशनल कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। लिखेंगे इस बात को, इफ डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल इज
नॉट अलाउड, तो इंटरेस्ट हम लोग नहीं देते हैं। आइए आगे लिखेंगे, सिक्स नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड ऑन क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं। आगे चलो, अब पलटे पेज, आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, मतलब अगर कभी कैपिटल का बैलेंस डेबिट दिया रहे तो उस पे भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल का मतलब बापू, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल नेगेटिव है, ठीक, देने से अधिक पैसा निकाल चुके हैं। आगे जर्नली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस। इसका मतलब सर, बिजनेस में अगर लॉस होता है तो जनरल रूल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दे देते हैं। वो कब होता है? जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपको सामने से बोले कि लॉस होगा तब भी हम इंटरेस्ट देंगे, तब हम दे देंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं देते हैं बाबू। चलिए, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवेन, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवेन, देन वी हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर कभी ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा दिए हुए इक्वेशन से। क्या इक्वेशन है सर, समझिए। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जो पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल रहेंगे वो। सर क्लोजिंग कैपिटल समझाएंगे बाबू, अभी समझा देंगे, बस ये लिखे और समझाएं आपको। उसमें प्लस करेंगे, ड्रॉइंग प्लस करेंगे, लॉस माइनस करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को ही क्या बोलते हैं? फर्दर कैपिटल। बोले अच्छा, दो लाइन छोड़ रहे हैं यहां पर, उसके बाद हम बोल रहे हैं सर ये क्या निकलेगा, हम बोले ये निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल, ये निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। बाबू समझ में आता है बात, ये क्या लिखे हैं सर, हम बोले हां समझाएंगे बाबू, बिल्कुल समझाएंगे, यही समझाना है हमको। चलिए यहां तक की बात समझ में आती है? जी सर बिल्कुल आई, समझिएगा इस बात को हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
हम लोग समझेंगे कि सर क्लोजिंग कैपिटल क्या है. हम बोले आइए 1 अप्रैल बुक्स कब बंद होता है सर? 31 मार्च. बिल्कुल. हम बोल रहे सर बिजनेस को स्टार्ट करने के समय जो कैपिटल देते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल. स्टार्टिंग में जो कैपिटल होता है वो क्या होता है? ओपनिंग. सपोज कीजिए हम बिजनेस स्टार्ट किए 1 लाख और जब साल का अंत हुआ तो मालिक, जो मालिक है बिजनेस का, वो बिजनेस से पूछ रहा है कि मेरा कैपिटल कितना है. तो बिजनेस बोल रहा है 2 लाख. मालिक एकदम अचंभा में है. वो बोल रहा है भाई 1 लाख दिए, 1 साल के बाद 2 लाख हो गया, ये तो बड़ा अच्छा है. तो हम बताना चाहते हैं कि सर 1 लाख 2 लाख में कैसे बदला, क्योंकि सर समय बीता, समय बीता. 12 महीना बीतने के बाद ये 1 लाख क्या हुआ है? 2 लाख. तो हम बोले सर इस 12 मंथ में, इस 12 मंथ में कुछ तो हुआ ही होगा. हम बोले हाँ एक बात हुआ, प्रॉफिट. लॉस भी हो सकता था, हम फिलहाल प्रॉफिट लेके चल रहे हैं. सर कितना का प्रॉफिट हो गया? हम बोले 50,000 का. हम बोले अच्छा. बीच में पार्टनर से एडिशनल कैपिटल भी लिया गया था. कितना का? हम बोले सर 80,000 का. और बीच में पार्टनर कुछ पैसा निकाल भी लिया था. कितना? 30,000 का. अब आप बात सोचना एकदम कॉमन सेंस से. हम बोले सर 1 लाख दिए, फिर 80 दिए, तो सब मिला के तो 1,80,000 दिए. तो यहां पे तो 1,80,000 होना चाहिए था क्योंकि हम 1,80,000 दिए. हम बोले सोचो 1 लाख दिए, 80 भी दिए, तो 1,80,000 तो पार्टनर को हम बिजनेस में हम दिए हैं, पार्टनर एज ए पार्टनर. फिर इसी बीच बिजनेस 50,000 का प्रॉफिट कमाया. तो बिजनेस तो कोई इंसान नहीं ना है, वो जो प्रॉफिट कमाएगा अल्टीमेटली वो किसको मिल जाएगा? सर वो अल्टीमेटली पार्टनर को मिलेगा, जो ओनर है बिजनेस का उसको मिलेगा. हम बोले बिल्कुल. तो 50 और मिलेगा तो सब मिला के कितना हो गया? 2,30,000. तो सर यहां 2,30,000 होना चाहिए था. हम बोले उसमें से 30,000 ओनर विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो कितना बना? 2 लाख. हम बोल रहे हैं सर ओपनिंग कैपिटल का मतलब जो शुरू में कैपिटल होता है वो, और क्लोजिंग कैपिटल का मतलब जो बुक्स बंद होने के समय एंड में जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल. यहां तक का बात ठीक. एक सेकेंड थॉट दीजिएगा, एक बच्चे लोग सुनिएगा ध्यान से. एक सेकेंड थॉट, क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये क्लोजिंग कैपिटल इस चार चीज का सम टोटल है? इस चार चीज का, जो चार चीज आपको हम दिखाना चाहते हैं वो क्या है? हम बोल रहे सर ये, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम बोल रहे हैं सर जो क्लोजिंग कैपिटल आप हमको बता रहे हैं वो इस चार चीज का सम टोटल है, इसी को एडजस्ट करके क्या बनना है? क्लोजिंग कैपिटल. हम बोले बिल्कुल. तो हम बोल सकते हैं कि सर क्लोजिंग कैपिटल बराबर होता है क्या? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग. तो अगर हमको कोई क्लोजिंग बता दे, ड्रॉइंग बता दे, एडिशनल बता दे, प्रॉफिट बता दे, तो क्या हम ओपनिंग नहीं निकाल लेंगे रिवर्स मेथड से? मतलब सर सोचिए, हम बोले सर इस चार चीज को प्लस माइनस किए तो इक्वल टू में ये आंसर आया. तो हम बोल रहे सर अगर ये वाला बात हम ना बताएं और हम ये चार चीज दे दें तो क्या हम ओपनिंग ना निकाल लेंगे? हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे सर क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग को उधर ले जाइए उस साइड, तो ड्रॉइंग क्या हो जाएगा? प्लस. एडिशनल कैपिटल जो इधर साइड में प्लस है उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस. प्रॉफिट जो इस साइड प्लस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. तो हम बोल रहे हैं यही बात तो यहां लिखे हैं. क्लोजिंग कैपिटल में क्या जोड़ दिए? ड्रॉइंग. क्या जोड़ दिए? लॉस. क्या माइनस कर दिए? प्रॉफिट. क्या माइनस कर दिए? एडिशनल कैपिटल. और क्या मिल गया हमको? ओपनिंग कैपिटल. हम यहां पे 2 लाइन क्यों छोड़वाए हैं? हम बोल रहे बाबू यहां पे कुछ और आइटम भी आ सकते हैं, अभी इस पे बात नहीं करेंगे, अभी इसी से काम चला लेंगे. जब वो टाइम आएगा हम खुद यहां भरवाएंगे वापस बुला के आपको कि बाबू आओ, जो क्लास में हम लोग 2 लाइन छोड़े हुए थे उसको भर ले. यहां तक का बात समझ में आ रहा है आपको? अब क्या होगा? हम बोले आइए पहले इतना का बात करें, थोड़ा क्वेश्चंस को देखें,
फिर आगे चलेंगे हम लोग। सुनिए, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके बनाएंगे बाबू, ताकि आपको सारा बात यहां तक कम रिवाइज करवा दें। सुनिएगा ध्यान से, ए पार्ट ए बी सी क्या है? पार्टनर्स जो शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए बी एंड सी इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 2 लाख, रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 50,000 रिस्पेक्टिवली। वो एबीसी पैसा लाए, कब लाए? ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को लाए। आगे तो सर क्योंकि ये फर्स्ट कैपिटल है, ये तो ओपनिंग कैपिटल है। हम बोले बिल्कुल। ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 20,000 ऑन 1 जुलाई 2019, व्हाइल बी एंड सी इंट्रोड्यूस 50,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। आइए देखें इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, एबीसी का जो ओपनिंग कैपिटल है डेट बताया है, ए जो एडिशनल कैपिटल लाया है उसका डेट भी बताया है, लेकिन बी और सी का जो एडिशनल कैपिटल है उसका डेट नहीं पता। तो ये अभी अभी हम लोग बात किए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, हम बोले हाँ। एडिशनल कैपिटल के भी ऊपर, हम बोले हाँ, प्रोवाइडेड एडिशनल कैपिटल का डेट मालूम हो। अगर डेट नहीं मालूम रहेगा तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो जो बी और सी का एडिशनल कैपिटल है उसका डेट नहीं मालूम है तो क्या उस पर इंटरेस्ट देंगे? जवाब है ना, उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो हम लोग बी और सी के कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लिए बाबू, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। मंथ का मतलब सर जिस दिन पैसा दिए वहां से 31 मार्च होने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही मंथ यहां लिखेंगे। बोले बिल्कुल। ए का बात करें, ए कितना दिया है शुरू में? 2 लाख। कितना रेट है? 6%। कितना मंथ सर? 12 मंथ। फिर दिया है कितना रुपए? 20,000। रेट कितना? 6%। कितना महीना सर? जुलाई में दिया है, तो जुलाई से लेके मार्च कितना महीना? 9 महीना। सॉल्व करेंगे, 12,000 प्लस 900, तो कितना निकला? 1,00,000 6/100, 12/12। क्या एडिशनल पे देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि डेट नहीं बताया। सी का बाबू, 50,000 का 6% 12 महीना के लिए पूरा 3,000, खत्म हो गया, इतना ही है। आइए
और एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर टू, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑन 31st March 2020 आर 2,20,000 कॉमा 1,50,000 एंड 1,30,000 रिस्पेक्टिवली। ये कैपिटल है पार्टनर का। आगे देयर ड्रॉइंग्स आर 1,20,000, बी का 50,000 और सी का 10,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,80,000 एंड दे शेयर प्रॉफिट इक्वली। आगे ऑन 1st October 2019 A introduce further capital of ₹50,000. Find interest on capital at the rate 6% per annum. आई सल्यूशन करिए बाबू इसका। इस क्वेश्चन में क्या दिया है सर? जो कैपिटल है वो क्लोजिंग है, क्योंकि सर वो क्लोजिंग डेट में दिया हुआ है। हम बोले हाँ, तो क्लोजिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट देते नहीं, अभी हम लोग बात किए हुए हैं और लिखे भी हैं कि हाँ सर क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देते। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा देते हैं, वो देंगे। और एडिशनल कैपिटल पे सिर्फ तब देते हैं जब क्या पता हो उसका डेट। तो हम बोल रहे हैं सर एडिशनल कैपिटल का डेट पता है 1st अक्टूबर, तो उस पे भी देंगे। आइए निकालें सबसे पहला काम, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ए बी सी कैसे निकालते थे? पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल जो है 2,20,000, 1,50,000, 1,30,000। उसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे? ड्रॉइंग। देखिए ड्रॉइंग बताया है 20,000, 50,000, 10,000। क्या माइनस करेंगे? प्रॉफिट इक्वली बराबर। तो 1,80,000 को तीन लोगों को बराबर बांटना है, तो 1,80,000 को अगर हम इक्वली बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा? 60 60 60। माइनस कर दिए, ब्रैकेट लगा दी तो माइनस हो गया। और क्या माइनस होगा? एडिशनल कैपिटल। कितना रुपया ए दिया है? 50,000। बी और सी का नहीं है,
ये क्या निकाल लिए बाबू, ओपनिंग कैपिटल। आइए प्लस माइनस करेंगे, 2,40 में से 1,10 गया, कितना बचा? 1,30,000, 1,40,000, 80। तो ओपनिंग कैपिटल, अब हम लोग क्या देंगे बाबू इसके ऊपर? इंटरेस्ट। ओपनिंग कैपिटल पे अगर कुछ नहीं बता रहा है क्वेश्चन, तो हम लोग मानेंगे सर ये ओपनिंग कैपिटल किस डेट का है, 1 अप्रैल का, 1 साल पुराना, तो पूरे साल का इस पे इंटरेस्ट देंगे। और एडिशनल कैपिटल पे कब इंटरेस्ट देते हैं सर? एडिशनल कैपिटल पे तब इंटरेस्ट देते हैं जब आपको उसका डेट मालूम हो। तो इस क्वेश्चन में डेट मालूम है तो हम लोग देंगे, अगर डेट नहीं मालूम होता एडिशनल कैपिटल का तो हम लोग एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे होते। आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला सर, अमाउंट ऑफ कैपिटल, रेट बाई 100, मंथ बाई 12। ए का ओपनिंग कैपिटल कितना? 1,30,000। रेट कितना? 6%। अप्रैल में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या मानेंगे? ओपनिंग कैपिटल किस दिन है? अप्रैल में, 1 साल पहले, पूरा 12 मंथ, तो अप्रैल से मार्च 12 महीना। प्लस एडिशनल कैपिटल कितना का दिया है? 50, और एडिशनल का डेट बताया है 1 अक्टूबर। बोले हाँ सर डेट तो बता दिया है, तो 50,000, 6%। आइए निकाले सर, 0,0 कैंसिल, 7,800 प्लस 1,500 कितना आया? 90। ए का, बी का, बी का ओपनिंग कैपिटल 1,40,000, रेट कितना सर? 6%। कब से कब तक सर? अप्रैल से मार्च, पूरा 12 महीना। 8,400। अस्सी हजार का 6%, कितना महीना? 48। तो बात समझ में आती है मेरी? तुम बोले हाँ सर ये बात तो सही है। चल आगे बढ़ेंगे हम लोग, और क्या सही है सर? हम बोले बाबू प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड भी है इसमें? हम बोले बिल्कुल। आइए पॉइंट नंबर 10, दसवां बात, इफ कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड मोर देन वन टाइम, अगर कैपिटल एक बार से अधिक दिया जाए तो क्या करेंगे? देन वी कैन यूज प्रोडक्ट मेथड। हम लोग चाहें तो प्रोडक्ट मेथड से ही बना सकते हैं, और सिंपल जैसे बनता है इस फॉर्मूला से उससे ही बना सकते हैं। लेकिन एक बार दो बार में तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई 4 बार 5 बार 3 बार कैपिटल लाता है तो प्रोडक्ट मेथड ज्यादा इजी होता है। कैसे बनाते थे बाबू सर? पहले लिखते थे डेट, फिर अमाउंट, फिर मंथ, और फिर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे आता था सर? अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लाई होता था प्रोडक्ट टोटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा प्रोडक्ट मेथड में? हम बोले बहुत सिंपल है, याद कीजिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, रेट बाई 100, 1/12। बात समझ में आता है मेरे यहां तक? यहां आइए इस
पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि ड्राइंग में पढ़े हुए हैं तो पहले से हम लोग क्लियर है ये मेथड, फिर भी देखा जाए। एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, कैपिटल इंट्रोडक्शन, डेट ए, एक चार 19 को ए का कैपिटल 1 लाख, बी का कैपिटल 80,000, 1/6/19 को 20,000, 30/9/19 को 30,000, 50,000 कैपिटल विड्रॉन। सर ये क्या होता है बाबू, जो पैसा पार्टनर लगा सकता है वो निकाल भी तो सकता है। हम बोले हाँ, कैपिटल विड्रॉन डेट बी 1/5/19 को ए कितना निकाला 20,000, बी कितना निकाला 10,000, 1/11/19 को 10,000, 20,000, 29 फरवरी 2020 को 20,000, 20,000। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। सर बुक्स कब बंद होता है बाबू? हम लोग के समय हमेशा 31 मार्च को ही बुक बंद होता है। आइए समझिएगा बात, क्योंकि इसमें कैपिटल इंट्रोडक्शन भी है, कैपिटल विड्रॉन भी है। आइए बाबू, आइए, लिख लिए होंगे अब तक तो। चलिए सॉल्यूशन देखें हम लोग इसका। सॉल्यूशन, डेट अमाउंट मंथ प्रोडक्ट, लिखेंगे कैसे हम लोग, किसके लिए बना रहे हैं? फॉर ए, ए के लिए। समझिएगा बात, डेट हमेशा सीक्वेंस में आएगा, मतलब सर अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, मई के बाद क्या आएगा, जून, जून के बाद जुलाई, मतलब सीक्वेंस में। ऐसा नहीं कि अप्रैल लिखे फिर नवंबर लिख दिए फिर बीच में मई आ जाएगा, ऐसे नहीं, सीक्वेंस से बनाइएगा। तो हम लोग सिर्फ ए को देख रहे हैं और सीक्वेंस से लिख रहे हैं। सबसे पहले डेट क्या आएगा, 1 अप्रैल 2019, कितना पैसा ए दिया 1 लाख। फिर अप्रैल के बाद जून है, जबकि मई में वो विड्रॉ किया, तो पहले क्या आएगा मई 19, कितना विड्रॉ किया 20,000। सोचिएगा, जब वो इंट्रोड्यूस किया मतलब पैसा दिया तो बिजनेस के पास पैसा आया तो प्लस में लिखें, जब पार्टनर ए बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो सर नेगेटिव लिखेंगे। हम बोले हाँ, पैसा गया बिजनेस के पास से तो नेगेटिव। उसके बाद डेट क्या आएगा, उसके बाद सर डेट आएगा 30th of September 2019, कितना दिया 20,000। फिर डेट आएगा सर 1st of November 2019, कितना पैसा निकाल लिया 10,000, और निकाला है तो पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, विड्रॉ कर रहा है। उसके बाद फिर आएगा सर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, हम ले हाँ, कितना पैसा दिया 30,000। उसके बाद आएगा 29 फेब 19, कितना पैसा निकाल लिया 20,000, तो निकाल लिया तो किस में लिखेंगे, माइनस में। क्यों सर? बाबू पैसा निकाल लेगा तो बिजनेस से पैसा चला जाएगा ना, तो नेगेटिव में, जब पैसा आ रहा था तो पॉजिटिव में। अब क्या लिखेंगे, मंथ कैसे लिखते थे सर, जिस डेट में पैसा आया या निकाला गया है वहां से 31 मार्च आने में जो टाइम लगेगा वो लिख दीजिए। तो 1 अप्रैल में पैसा दिए हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना,
एक मई को दिए हैं, तो एक मई से कितना महीना, 11 महीना, 30 सितंबर को 6 महीना, 1 नवंबर को 5 महीना, 31 दिसंबर को 3 महीना, और 29 फेब को, तो सर 29 फेब तो खत्म ही हो गया, फेब खाली मार्च ही बचा, तो 1 महीना। मल्टीप्लाई कीजिए 12 लाख, 2,20,000 माइनस में, सर ये कैसे कर रहे, अमाउंट इनटू प्रोडक्ट, 1,20,000, 50,000 माइनस में, 90,000 प्लस में, 20,000 माइनस में, टोटल 11,20,000। क्या हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था सर? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा, रेट बाय 100, अच्छा 1/2, बिल्कुल 11,20,000 इंटू 6% इंटू 1/12। आइए इसका कैलकुलेशन करें और बताएं, 5,600 निकल गया। क्या हम लोग इसी तरह बी का ही बनाएंगे? बिल्कुल इसी तरह बी का बनाएंगे बाबू। आइए देखें बी का फॉर बी, डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। चलिए बी का 1/4/19 को कितना अमाउंट, 80,000। उसके बाद अगला डेट 1/5/19 को कितना निकाल लिया, 10,000। अगला डेट 1/6/19 को कितना पैसा दिया, 20,000। अगला डेट 1 नवंबर 2019 कितना निकाल लिया, 20,000। उसके बाद अगला डेट सर 31 मार्च 19 कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया, 50,000। और 29 फरवरी 2020 में कितना निकाल लिया, 20,000। मंथ सर 12, मंथ 11, मंथ 10, मंथ 5, 3, 1, मल्टीप्लाई 9,60,000, 2 लाख, 1 लाख माइनस में, 1,50,000 प्लस में, 20,000 माइनस में। क्या इसका टोटल लगा लेंगे? जी सर, 10,80,000। फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर टोटल ऑफ प्रोडक्ट, हम बोले हाँ, रेट बाय 100, 1/12, टोटल कितना निकाले, 10,80,000, रेट 6%, 1/12, सॉल्व कीजिए कितना आएगा सर, 5,400। बात समझ में आ रहा है आपको कि सर प्रोडक्ट मेथड से कैसे बनता है? जी सर, अब मेरी बातों को सुनिए सर, अगर आपके क्वेश्चन में तो हर बार क्या हो जाता है, मंथ आ जाता है, सपोज कीजिए वो 5 तारीख को निकालता तो मंथ काउंट नहीं कर पाते हम, बोले हाँ बाबू अगर हम मंथ काउंट नहीं कर पाएंगे फिर हम डेज काउंट करेंगे, सेम उसी तरीके से कैसे करेंगे, सपोज कीजिए सर कोई पैसा निकाला 5 मार्च को, तो 5 मार्च से 31 मार्च आने में कितना दिन, हम बोले सर 5 मार्च से 31 मार्च आने में 27 दिन, क्योंकि 31 का महीना होता है मार्च में, 31 डेज का, तो हम बोल रहे हैं जिस दिन निकालेंगे वो भी इंक्लूड करेंगे, तो 5, तो यहाँ पे कितना दिन लिख देंगे, 27 मार्च, जो डेट चल रहा है उस तरह से लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला में क्या बदलेगा समझिएगा, कि सर अगर मंथ के जगह डेज लिखना पड़ा तो यहाँ तो मंथ काट के क्या लिखेंगे हम, डेज, फिर सबको डेज में लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते कि सर किसी का डेज लिखेंगे किसी का मंथ लिखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, या तो सब मंथ होगा या फिर सब डेज होगा, ठीक बात। जब डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बदलेगा, हम बोले बड़ा सिंपल है, जो 12 है वो एक साल इंडिकेट करता है, क्योंकि आप मंथ में लिए हैं इसलिए डिवाइड किससे किए हैं, 12 से, तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग डेज में लेंगे तो एक साल में कितना दिन, 365, तो 1/ कितना लिखेंगे,
365, बाकी सब कुछ तरीका वही रहेगा। चलिए, ये हुआ हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर पहला क्लास। अगले क्लास में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बात चलेगा, फिर हम लोग बुक्स पे आ जाएंगे कि सर बुक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये था हम लोग क्लास। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। किसी भी तरह का अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हैं। टाइम मिलने पे जल्द से जल्द आपका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन। घर में रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।